नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से आप सभी के जन्मकाल की 5 इच्छाएं पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों का समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो ग्रहों में बदलाव हो रहे हैं, दोस्तों यकीनन आप सभी के नसीब का द्वार खुलने वाले हैं। और जो आपकी किस्मत में है, जो ग्रहों की स्थिति यह बनी है, इसमें आपके किस्मत का फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों, कल से आप सभी के जन्मकाल की एक नई शुरुआत होगी। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, कल से आप सभी के जन्मकाल के वो बड़े सपने, वे बड़ी इच्छाएँ पूरी होने वाली है, जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि इच्छाएं जब पूरी होती आप खुद देखेंगे, तो दोस्तों आप सभी की आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं, और अभी तक आपके जीवनकाल में वे इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं जिनके लिए आप कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत दिन आपने अपने जीवनकाल में ऐसे गुजारे हैं जहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अपमान भी झेलने पड़े हैं। दोस्तों, बहुत ही दिन ऐसे आपने अपने जीवनकाल में सहे हैं जब दोस्तों आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बनते गए हैं। दोस्तों, आपने बहुत ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पर आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके वे दिन खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, कल से आप सभी का नसीब का द्वार खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ बताते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दोस्तों अब आपके जीवनकाल में खुशियों की बौछार आने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में आखिर आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वह कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप अपने जीवनकाल में कर्म करिए, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, ऐसी ग्रहों की स्थिति साक्षात यही दर्शा रही है कि आपके कर्मों का ही फल पाने का समय है। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके कुंडली में बड़ा चमत्कार कल से होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवनकाल में जो भी लोग आप सभी को परेशान दिखना चाहती थी, जो लोग आपको हमेशा नुकसान करना चाहती थी, दोस्तों उन सभी की आंखों में यशमी दुख के आंसू होंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि यशमी आपके आंखों में खुशियों के आंसू आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, कल से आप सभी का जीवन स्वर्ग जैसा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल की हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है जिनके लिए आप पिछले कई समय से तड़प रहे थे। दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों आप सभी का अब वह जिंदगी बनने वाली है जिनमें आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है। दोस्तों, गम का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद अब आप सभी के सर पर आने वाले हैं। कल से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में स्वयं देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन बदलने वाले हैं। स्वयं महादेव आप सभी के भाग्य में इतने बड़े चमत्कार करने वाले हैं कि दोस्तों देखने वालों का नजरिया ही बदल जाएगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी की कुंडली में बहुत ही बड़े अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत ही शुभ ग्रहों का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की कुंडली में शुभ ग्रह 4 स्थानों में आने वाले हैं। जी दोस्तों, और ऐसा होने से दोस्तों आप सभी की कुंडली में केदार योग का निर्माण होने वाले हैं। दोस्तों, साक्षात केदार योग भगवान भोलेनाथ से संबंध रखता है। जी दोस्तों, और साक्षात आप सभी के जीवनकाल में अब भगवान भोलेनाथ बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी को अपने जीवनकाल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी सफलताएं आप सभी को मिलने वाले हैं, कौन कौन से कार्य आप सभी के बनने वाले हैं, और दोस्तों कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का आपको अपने ध्यान में रखना अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, सभी बातें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दोस्तों, हर एक बात आप सभी को जानना, आप सभी को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देंगे
तो दोस्तों आप जाने अनजाने अपने किस्मत को ही खो देंगे और दोस्तों बहुत ज़्यादा आप अपना जीवन काल में पछताने वाले हैं। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों हर एक बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा समय है। और दोस्तों ग्रहों का ये निर्माण सभी के जीवन काल में नहीं होते हैं, दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में ऐसी ग्रहों की उपस्थिति बनती है। जो व्यक्ति हमेशा धर्म कर्म के राह पर चलते हैं, जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो लोग हमेशा अपनों के प्रति कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, जो लोग हमेशा अपनों के लिए जान निछावर कर देते हैं। जी दोस्तों, और इसी प्रकार की छवि आपके भी जीवन काल की है। जी दोस्तों, आप सभी का सद्भाव सभी लोगों से बिल्कुल ही अलग है। जहाँ सभी लोग अपने पेट भरने के लिए किसी और के खाने तक छीन लेते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं आपका स्वभाव उनसे विपरीत है। दोस्तों आप किसी की भूख मिटाने के लिए अपने खाने तक किसी और को दे देंगे। दोस्तों ऐसा निश्चल स्वभाव आप सभी का है। और दोस्तों यही कर्म यही सद्भाव आप सभी को ईश्वर की ओर से सबसे ज़्यादा जुड़ता है। और दोस्तों हमेशा ईश्वर की नज़रों में आप सर्वप्रिय रहते हैं। जी दोस्तों, और इसीलिए आपके जीवन काल में इतने बड़े मौके आ गए हैं, तो दोस्तों ऐसे मौके को अगर आप मिस कर देंगे और दोस्तों जाने अनजाने में अगर आप इन फायदे को नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों आप बहुत ही फंसाएंगे। जी दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा। दोस्तों देवों के देव महादेव का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और यूं ही महादेव का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में सदैव बरसेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि कल से आप सभी के जीवन काल में खुशियों की नई उड़ान आने वाली है। जी दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल की एक नई स्थिति शुरू होने वाली है, एक नया अध्याय शुरू होने वाले हैं। जी दोस्तों, कल से आप सभी का नसीब का द्वार खुलने वाले हैं सभी क्षेत्रों में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके कारोबार के क्षेत्र में आपको कल से सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों कारोबार में कल से आप सभी की बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो लोग नए कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। दोस्तों आपके लिए इतना अच्छा समय है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, दोस्तों वह कार्य आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आपको अपने किस्मत का अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाले हैं। यश में ग्रहों की स्थिति आपके ही पक्ष में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल से आप जो भी कार्यों में अपना हाथ को लगाएंगे दोस्तों वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। जी दोस्तों, उनमें कोई भी अड़चनें नहीं आने वाली है क्योंकि दोस्तों साक्षात देवों के देव महादेव आपके साथ हैं। जी दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में नए दौर की शुरुआत होने वाली है। बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हैं। जी दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उन सभी को कल से अपने जीवन काल में नई खुशियाँ मिलने वाली है। नौकरी की जो चाह रखते थे उन सभी को मनचाहा नौकरी मिलने वाली है। जी दोस्तों, जीवन काल आप सभी का बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में आए हैं कि दोस्तों आप सभी के दुश्मन के भी होश उड़ जाएंगे। आप सभी की तरक्की आप सभी की कामयाबी को देखकर वो अपने मन में यह बात जरूर ही सोचेंगी कि इनकी किस्मत आखिर ऐसी कैसे चमक सकती है, क्या इनको कोई जादुई छड़ी मिल गई है। जी दोस्तों, वो बहुत ऐसे सोचेंगे और बहुत लोग कहेंगे कि वाह नसीब हो तो ऐसा। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें के बदौलत अब कल से आप सभी का नसीब का द्वार खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से जो भी जातक अपने जीवन काल में आर्थिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनके जीवन काल में पेशों की बहुत ही समस्याएँ चल रही थी, जो लोग पेशों के लेकर पिछले कईश्मे से परेशान थे, जो लोग पिछले कईश्मे से पेशों के लिए बहुत सारे कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो भी पेशों से जुड़ी समस्याएं हैं वे सभी समस्याएं जड़ से ही खत्म होने वाली है। भगवान भोलेनाथ के शुभ आशीर्वाद से जो आपके कुंडली में एक केदार नाम का योग का निर्माण हुआ है, दोस्तों यकीन मानिए ये आपके जीवन काल में इतने बड़े चमत्कार करने वाले हैं, ऐसी आपकी किस्मत बदलने वाले हैं कि दोस्तों खुद आप अपनी आँखों पर यकीन नहीं करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि घर और परिवार का माहौल यश में बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों आपको कौन सी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में ये बात सही है कि सफलताएँ मिलेंगी, कामयाबी मिलेंगी और बहुत सारी खुशखबरियाँ आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी के जो दुश्मन हैं वो भी प्रबल होने वाले हैं, वो भी आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों वे हमेशा ही आपकी खुशियों से जलते आ रहे हैं, कभी भी उन्हें आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। और दोस्तों कल से आप सभी के जीवनकाल में इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दोस्तों वो देख कर ही जलते रह जाएंगे जी दोस्तों, और आपके ऊपर घात करने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने जीवनकाल में सतर्क और संभल कर कार्य करना है। जी दोस्तों, जब आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और कार्य करने के बाद ही जो योजनाएं आप बना रहे हैं दोस्तों, उन योजनाओं को सफल होने के बाद ही दोस्तों किसी और को जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जहाँ पर भी जाइएगा दोस्तों, अपने शत्रु से आपको बस सावधान रहना है, किसी पर भी आँख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी गलती आपने किए भी हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन दोस्तों कल से आप इन गलतियों को भूल कर भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, शादीशाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी को अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में जो भी आप रुपये पेशे धन को अर्जित करने वाले हैं, जो भी आपको कहीं पर खुशखबरी मिलने वाली है, जो भी सफलताएँ आपको कल से मिलने वाली है दोस्तों, उनमें से कुछ परसेंट आप गरीबों में दान धर्म में जरूर ही दीजिएगा। दोस्तों ऐसा करने से ईश्वर महादेव सदैव ही आपसे प्रसन्न रहेंगे, और दोस्तों जो भी शंकर जो भी बधाएं आने वाले समय में आपको मिलेंगे दोस्तों, स्वयं महादेव उन्हें हर लेंगे, और दोस्तों हमेशा आपके जीवनकाल में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है। जी दोस्तों, इन बातों का आपको खास ध्यान कल से रखने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में जो भी प्रेम संबंध की समस्याएं थी वे समस्याएं भी समाप्त होने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर के माहौल में इतनी अच्छी स्थिति बनने वाली है कि घर के सभी लोग आप सभी का सपोर्ट करने वाले हैं, पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जी दोस्तों, शादीशाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी आपस में मनमुटाव थे वो मनमुटाव खत्म होने का समय है, और दोस्तों बहुत समय से जो आपके समस्याएं चल रही थी, जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं चल रही थी दोस्तों, उनमें भी अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। साक्षात महादेव का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में आए हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे सुधार अब देखने को मिलेंगी। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिएगा। दोस्तों अपने जीवन काल में आप व्यायाम और मेडिटेशन पर भी आपको ध्यान देना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से जो केदार नाम का शुभ योग का आप सभी के जीवनकाल में निर्माण होने वाली हैं, इसी दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में समाज में आपका मान सम्मान सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जो भी आप कार्य करने वाले हैं उनमें जो भी सफलताएँ मिलने वाली है उनमें दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा सम्मान मिलेगा। दोस्तों आपके कार्यों की तारीफ कल से होने वाली है, समाज में आपकी एक अलग ही छवि बनने वाली है। जी दोस्तों, जो भी लोग पिछले कई समय से बहुत ही दुखी जीवन जी रहे थे उन सभी के जीवनकाल में कल से बहुत ही सहनशील जीवन और बहुत ही सुखी जीवन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको हर सुखों को देखते हुए उन्हें सह कर चलना होगा। दोस्तों हर बातों को किसी और को आप नहीं बताएंगे, ऐसा आपको करना होगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों कल से आप सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। जी दोस्तों, जो भी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन था, जो भी पिछले कई समय से आप किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों को महसूस कर रहे थे, तो दोस्तों कल से आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाले हैं। कल से आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शादीशाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप अपने बुद्धि और विवेक से अपने जीवनकाल में सभी कार्यों में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जो भी छोटी मोटी बाधाएं आप सभी के जीवनकाल में आएंगी दोस्तों, उनसे आप आसानियों से उभर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शादीशाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में माता पिता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, और दोस्तों उन्हीं के आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में आप सुख सुविधाओं की ओर आगे बढ़ेंगे।
लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि समय के साथ आप सभी को अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने माता पिता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जब भी ऐसे योग किसी भी जातक के जन्मकाल में बनते हैं तो दोस्तों वह इंसान कोई आम इंसान नहीं होता है जी। दोस्तों वह इंसान का किस्मत बहुत ही प्रबल होता है, उनका कर्म बहुत ही प्रबल होता है। दोस्तों उन्हीं के जन्मकाल में ऐसे युगों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने जन्मकाल में कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों कोई भी गलती आपको भूल कर भी ना हो जी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बिल्कुल ही ना बोलें जी। हाँ दोस्तों किसी के भी प्रति दोस्तों आप अपने अंदर बुरा ख्याल बिल्कुल ही ना लाएं। दोस्तों ईश्वर इनसे बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों आपको हमेशा सभी के प्रति सकारात्मक विचार लाने हैं जी। हाँ दोस्तों जो भी आपके बुरे सोचते हैं दोस्तों उनका विनाश निश्चित है जी। हाँ दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कर्म फलदाता बैठे हैं आपकी रक्षा करने के लिए और जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको दंड देने के लिए बैठे हैं। इसलिए दोस्तों आपको बस अपने जन्मकाल में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी को अपने जन्मकाल में कुछ उपायों को भी करना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी हमारे प्राचीन काल हैं दोस्तों उनमें सभी देवी देवताओं को साक्षात लोग दर्शन पाते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग साक्षात दर्शन नहीं पाते हैं कि दोस्तों ये कलयुग आ गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी प्राचीन काल के ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, साक्षात उन्हें ईश्वर का आभास कराते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें लोग अगर करते हैं, सच्चे दिल सच्चे श्रद्धा से करते हैं तो उनके जन्मकाल में बहुत ही लाभ मिलते हैं। और दोस्तों जब ग्रहों की स्थिति सही हो और सही समय पर सही उपाय को व्यक्ति कर देता है तो दोस्तों उनका लाभ सौगुने में बढ़ते हैं, यानी कि सोने पे सुहागा वाला स्थिति उनके जन्मकाल में आते हैं जी। हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों कल से आपको अपने जन्मकाल में कौन से उपायों को करना चाहिए दोस्तों उन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति यश में बहुत ही अच्छे बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि राहु केतु का जो स्थिति होता है दोस्तों वे कभी भी व्यक्ति को शुभ फल नहीं देते हैं जी। दोस्तों इसीलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनसे बचने के लिए आपको अपने जन्मकाल में कौन से अशुभ उपाय को करना चाहिए ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपको कभी भी इनका अशुभ प्रभाव ना मिले जी। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों आपको कल से अपने जन्मकाल में एक मोर पंखो रखना है जी। हाँ दोस्तों और उस मोर पंख को आपको रखना है और दोस्तों जब भी आप उस मोर पंख को रखें उससे पहले दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप आपको 108 बार करना है जी। दोस्तों साथ ही साथ उस मोर पंख को गंगा जल से अभिमंत्रित करके अपने पूजा स्थान में रख दें। दोस्तों ऐसा करने से आप सभी के जन्मकाल में धन वृद्धि और सुख वृद्धि होंगी। जो भी दोस्तों ग्रहों के अशुभ प्रभाव हैं, जो अशुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव कम होंगे। तो दोस्तों इस उपाय का ध्यान कल से आपको अपने जन्मकाल में खास तौर पर रखना ही है जी। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको क्या करना है कि जब भी आपके दुश्मन आप सभी को परेशान करते हैं, जब भी बहुत सारे ऐसे लोग आप सभी को परेशान करते हैं तो दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय करना है जी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको उन लोगों से लड़ना नहीं है, ना ही दोस्तों उनके बारे में बुरा भला आपको सोचना है जी। दोस्तों बस आपको क्या करना है कि उसके पैर के मिट्टी आपको उठा लेना है और दोस्तों चूल्हे में जलती आग में उन्हें डाल देना है। और दोस्तों बस आपको इतना करना है। और दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि महाबली हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है बस उनका आपको एक बार पाठ करना है। दोस्तों इतना करते ही आप सभी के जो भी दुश्मन है दोस्तों वे बिल्कुल ही पराजय होंगे, आपके कार्यों में बधाई डालने का प्रयास करेंगे वे बिल्कुल ही असफल होंगे और साक्षात संकट मोचन हनुमान जी आप सभी की रक्षा करेंगे जी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो कि दोस्तों कल से आपको अपने जन्मकाल में याद रखना ही चाहिए क्योंकि दोस्तों सभी के जन्मकाल में कोई ना कोई शत्रु है जी। हाँ दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप शत्रु से मुक्ति पा लिए हैं तो दोस्तों अपने घर में माता लक्ष्मी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए कि दोस्तों इस कलयुग में सभी व्यक्तियों को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है जी। दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ों को पाने के लिए पेशे की आवश्यकता होती है, चाहे दोस्तों आप अपने जन्मकाल के कोई भी शुभ को ले लें,
गाड़ी बंगले पेशे की अगर आप चाह रखते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको मेहनत करना होता है, लेकिन दोस्तों सरल उपाय करने से भी व्यक्ति के जीवनकाल में उनके सारे लाभ के द्वार खुल जाते हैं। और जब भी व्यक्ति को ऐसा पेशों की प्राप्ति नहीं होती है जो दोस्तों मेहनत से करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें छोटे छोटे उपाय करने से भी उन्हें धन की प्राप्ति होती है, उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं और उनसे उनको पेशों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कल से आपको अपने जीवनकाल में कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए। दोस्तों सुबह उठते ही बच्चों को रोने ना दें। जी हाँ दोस्तों, पत्नी पति आपस में लड़ाई ना करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे से पहले नहा लें, झाड़ू पोछा छुपा के रखें, पहली रोटी गाय व पक्षियों के लिए बनाएं, रात को आखिरी रोटी कुत्ते के नाम ही निकालें, रसोई व कमरे में जूठा बर्तन ना रखें, तवा भी धोकर चूल्हे पर रखें, एक लोटा पानी रसोई घर में भर कर रखें, सुबह उठते ही खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं और जोर से भगवान का नाम लें जिससे सारे सुन लें। जी दोस्तों, पाठ करते समय ही खाना बनाएं और माँ की आरती उतारें। दोस्तों ऐसा अगर आप अपने जीवनकाल में कर लेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी और जो ग्रहों का शुभ प्रभाव है वो भी दोस्तों कम होगा। जीवनकाल में आपको सुख शांति समृद्धि और घर में बरकत भी होंगी। तो दोस्तों इन उपायों को आपको अपने जीवनकाल में करना है और दोस्तों खुशी से अपने जीवनकाल को व्यतीत करना है। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।